नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए, आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट की पेपर हो चुका है। पेपर आसान था या कठिन वो मैं डिस्कस करूंगा, पूरी आंसर की पूरा मॉड्यूल पूरा असेसमेंट बता दूंगा कि मतलब किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो ये कितना अटैम्प्ट किया छात्रों ने, ये सब पूरी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ये सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए एनालिसिस है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इतनी तेजी से रिव्यू कोई नहीं कर पाता जितना हिसाब से मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब के वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन को छोड़ के ज्योग्राफी में कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा घुमा फिरा के पूछे गए थे, अदरवाइज आपके सारे जो क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट थे। पूरा पेपर इजी टू मॉडरेट था, मैक्सिमम लोगों से मैंने पूछा तो उनके अटेम्प्ट 100+ हैं। और एक चीज और बता दूं, आपका जो माइनस मार्किंग 1/4 थे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए लोगों ने अटेम्प्ट अच्छे किए हैं। ठीक है, अब चलिए पूरा पेपर हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं। देखिए, यहाँ से सबसे पहले मैं देख लूंगा यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन। देखिए, अनाई मुड़ी से क्वेश्चन पूछा था, आप जान ही सकते हो कि अनाई मुड़ी से क्या क्वेश्चन पूछा था, दक्षिण भारत से लेके पूछ सकता है। काली मिट्टी का क्षेत्र पूछा था, यूरेशियाई प्लेट और एशियाई प्लेट से रिलेटेड पूछा था क्वेश्चन। मैथ्स में जो क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन थे, काफी आसान क्वेश्चन थे, 2-4-5 क्वेश्चन जो भी रहे होंगे। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा था, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पूछा था कि कौन से अधिवेशन में थे। संविधान संसद, देखिए ये मेरे वीडियो से 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस पर मैंने पूरे अपडेटेड 102 103 104 पूरा अपडेटेड बताया है, 101 से लेके और पूरे संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन 2-3 पूछ लिया जाएगा। हिंदी में देखिए, इन्होंने थोड़ा सा हो सकता हो ज्यादा बताया क्योंकि मैंने पेपर देखा नहीं है, पेपर मिले भी नहीं है। तत्सम से 4-5 क्वेश्चन इन्होंने बताया है, तद्भव बताया है 2 क्वेश्चन, शुद्ध अशुद्ध से नियर अबाउट 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यायवाची हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। समानार्थी से शब्द से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए। अलंकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और खास करके यमक अलंकार से, ठीक है, जैसा कि रिव्यू के बाद लोगों के द्वारा पता चला। रीजनिंग में लेटर दे दिया जाए, जैसे ए को इस वर्ड से डिनोट करते हैं, इस संख्या से डिनोट करते हैं, तो ये शब्द कौन सा होगा। एक बड़ा सा लेटर दे दे रहा है, उसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। और आगे भी वर्णमाला का क्रम दे दिया गया है कि वर्णमाला के क्रम में पीछे से दाएं तरफ से इतना, बाईं तरफ से इतना, कुछ करके ऐसे करके आपको बीच की संख्या पूछा जा रहा है, बीच का अल्फाबेट पूछा जा रहा है, अंतिम से दसवां, ऐसे कुछ भी करके घुमा फिरा के। नेक्स्ट आपको कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे हैं कि जैसे ए को 3 लिखा जाए, बी को 4 लिखा जाए, तो इस अल्फाबेट का पूरा नंबर क्या होगा, पूरा आंसर क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितने भी रिव्यू आते जाएंगे मैं ग्रुप में सेंड करता रहूंगा, लेकिन ये एनालिसिस आपके लिए जरूरी था, साथ ही साथ जो सेकंड मीटिंग में देने जा रहे हैं उनके लिए। देखिए, मैं 2 चीज इंपॉर्टेंटली बता दूं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करने वाले हैं, आप याद दे रखिएगा। जो मेरा संविधान संशोधन का वीडियो है आपको 8-10 वीडियो के नीचे मिल जाएगा, अदरवाइज मैं इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, उसको जरूर देख के जाए। संविधान संशोधन से जरूर पूछा जा रहा है क्योंकि जितने भी संशोधन हुए सब कहीं ना कहीं दिक्कत हुए हैं, सभी हाईलाइटेड थे, वो जरूर पूछे जा रहे हैं। तद्भव तत्सम हिंदी वगैरह आसान है। देखिए, इन्होंने एक चीज नहीं बताया, लेखन से क्वेश्चन इन्होंने नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है कि लेखन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। 2 पेज का PDF मैंने भेजा था, सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं, उससे सिवाय एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आते। तो ये कंप्लीट एनालिसिस थी। देखिए, सारा क्वेश्चन बता पाना, क्योंकि पेपर नहीं मिले भाई, तो सारा क्वेश्चन पेपर बता पाना सबके बस की बात नहीं होगी। 24 घंटे बाद या कुछ घंटे बाद आपका पेपर जब अपलोड हो जाएगा, पूरी आंसर की मैं दे दूंगा, तो इसके लिए आपको चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। दूसरे पेपर की एनालिसिस मैं पूरी तरीके से करूंगा क्योंकि मैं खुद एग्जाम सेंटर पर जाने वाला हूँ, तो वहाँ से मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसकी आंसर की दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, वीडियो को पूरा देखने के लिए।